नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू जिले के पांकी में एक सनसनीखेज डकैती की घटना सामने आई है। छह हथियारबंद लुटेरों ने पांकी के प्रसिद्ध व्यवसायी कृष्णा सोनी के गजबोर स्थित घर को निशाना बनाया। डकैतों ने घर में घुसकर परिवार को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर करीब 20 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और 2.5 लाख रुपए नकद लूट लिए। घटना बुधवार रात की है, जब लुटेरे छत के रास्ते से घर में दाखिल हुए। अंदर घुसते ही उन्होंने परिवार के मुखिया को बंधक बनाया, सभी सदस्यों को हथियार दिखाकर डराया धमकाया और उनके मोबाइल फोन छीनकर उन्हें कमरे में बंद कर दिया। लूट के दौरान कुछ परिवार के सदस्यों के साथ हथियार से ही धक्का मुक्की भी की गई। लुटेरों ने 1 घंटे तक पूरे घर को खंगालते हुए कीमती सामान और नकदी लूट ली और मौके से फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने बताया कि फरवरी में बेटी की शादी को लेकर घर में जेवर रखा हुआ था। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद पांकी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। इंस्पेक्टर पूनम टोप्पो और थाना प्रभारी ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है। लुटेरे काफी योजनाबद्ध तरीके से आए थे और घटना को अंजाम देने के बाद बिना कोई सुराग छोड़े फरार हो गए। हालांकि पुलिस इस घटना को गंभीरता से लेते हुए आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चला रही है और डकैतों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा भी दिया। सोए हुए थे रात के लगभग 1 बजे। 6 आदमी मेरे रूम में ऊपर तल्ला पे आगे बंदूक से डर दिया और यहाँ उससे उसको चोट भी किया, इसी से ठोके उठाया और कहा कि घर का सारा सामान दो। तब बोले कि ठीक है, बाल बच्चे को कुछ मत करो, चाबी दे दिए। लगभग 1 घंटे तक इन लोग सारा लूटपाट किया। मेरी बच्ची का फरवरी में शादी था, शादी की तैयारी में सब जेवर वगैरह था, 2.5 लाख रुपया कैश था।